मंगलयान मिशन के सफलतापूर्वक कंप्लीट होने के बाद अब इसरो बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन करने जा रहा है। यह है इसरो का अगला मिशन आदित्य L1। इसका एम सन से जुड़े कई रहस्यों का पता लगाना है। अमेरिका, यूरोप और जापान केवल 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने सन की स्टडी के लिए कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। अब इसमें एक नाम और जुड़ने वाला है और वो है इंडिया। आदित्य L1 इसरो और विभिन्न इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के बीच सहयोग से डिजाइन करके बनाया जाएगा और यह 2019-2020 के आसपास इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह सन का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय स्पेस मिशन होगा। आदित्य L1 मिशन का नाम पहले आदित्य 1 रखा गया था, पर बाद में इसका नाम बदल दिया गया। इसरो ने इस स्पेसक्राफ्ट को लैग्रेंज पॉइंट के नियरेस्ट हेलो ऑर्बिट में स्थापित करने का फैसला किया है। लैग्रेंज पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर सन, अर्थ और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स समान होता है, मतलब सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पर रख दिया जाए तो ना तो सन की ग्रेविटी, ना अर्थ की और ना मून की ग्रेविटी इसे अट्रैक्ट कर पाएगी। ऐसे 5 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, L1, L2, L3, L4 और L5। आदित्य L1 इन्हीं बिंदुओं में से एक L1 पर रखा जाएगा, इसलिए इसका नाम बदलकर आदित्य L1 रख दिया गया। यह ऑर्बिट अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। अगर इस पॉइंट पर आदित्य L1 को सक्सेसफुली स्थापित कर दिया जाता है तो वो बिना किसी रुकावट के सन को लगातार देख पाएगा और एनालिसिस कर पाएगा। सन की विजिबल सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। सन के वायुमंडल यानी कोरोना का टेम्परेचर इससे कम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इसके बजाय कोरोना का टेम्परेचर इससे 200 से 500 टाइम्स ज्यादा है। सन का बाहरी हिस्सा कोरोना इतना गर्म क्यों है, आदित्य L1 इसकी स्टडी करेगा। सन के एटमॉस्फेयर में होने वाले जबरदस्त एक्सप्लोजन से जो लपटें बाहर निकलती हैं उनको सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। जब ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं तो इन्हें सोलर स्टॉर्म्स कहते हैं। सोलर फ्लेयर्स अर्थ पर सामान्य स्तर से ज्यादा रेडिएशन भेजती हैं। सोलर स्टॉर्म्स के धरती से टकराने की वजह से सैटेलाइट अव्यवस्थित हो सकते हैं, जिनकी वजह से कमर्शियल फ्लाइट्स प्रभावित हो सकती हैं और GPS सिस्टम भी अव्यवस्थित हो सकता है। सोलर स्टॉर्म की वजह से यह भी आशंका जताई जा रही है कि दुनिया के तमाम हिस्सों में बिजली गुल हो सकती है। ये क्यों जनरेट होते हैं, आदित्य L1 इस बात की स्टडी करेगा। आदित्य L1 अर्थ के वेदर प्रेडिक्शन में सन के रोल को स्टडी करेगा। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कोलैबोरेशन से स्पेसक्राफ्ट सोहो ने सन को स्टडी करने की कोशिश की थी। ऑब्जेक्टिव था सन के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना, पर लॉन्च के टाइम इसके जिस इंस्ट्रूमेंट को मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना था वो ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से मिशन फुल्ली सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बाद नासा ने एडवांस कंपोजिशन एक्सप्लोरर भी लॉन्च किया, पर इसमें भी इतने एडवांस्ड और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि वो इसे अच्छे से स्टडी कर पाए। इसके अलावा एक और महत्वाकांक्षी स्पेस प्रोब जो कि सन का सोलर पार्कर प्रोब है, वो इस समय सन को एक्टिवली स्टडी कर रहा है। ये हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन का ऑर्बिट करता है और अपने हर चक्कर में सन के बहुत पास करीब 4 मिलियन माइल्स तक पहुँच जाता है। ये सन के एटमोस्फेयर में एंटर करने जैसा है।
सन के इतने पास पहुंच पाने की कैपेबिलिटी इसे सन से प्रोड्यूस होने वाली हाई एनर्जी कोरोना हीट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लाती है। इसकी मदद से वैज्ञानिक सन सरफेस से डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर सन से निकलने वाले हीलियम टेम्परेचर को ट्रैक कर रहे हैं। सन के मैग्नेटिक फील्ड, हीलियम टेम्परेचर और सोलर विंड को अलग अलग हाइट पर स्टडी करके वैज्ञानिक सन कोरोना के इतने ज्यादा हीट होने की इस पुराने क्वेश्चन की गुत्थी को सुलझा लेंगे। ये क्वेश्चन करीब 500 सालों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। अभी तक की गई स्टडी से ये पता चला है कि सन के सरफेस से 10 से 50 सोलर रेडियाई पर यह सुपर हीटिंग जोन खत्म हो जाता है। अब देखना यह है कि इंडिया का आदित्य L1 इस गुत्थी को सुलझाएगा या नासा का पार्कर सोलर प्रोब, या दोनों मिलकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे, जैसे मून पर इसरो और नासा ने मिलकर वाटर की खोज की थी।